दिलीप ट्रॉफी बुधवार को खेला जाएगा, लेकिन आयोजन से पहले ही यह विवादों के घेरे में है। कारण है मशहूर खिलाड़ी सौरभ तिवारी का चयन ना होना। मामला है कि ईस्ट जोन टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले सौरभ तिवारी का चयन नहीं हुआ है, जिसको लेकर आलोचना शुरू हो गई है। खिलाड़ी रहे भाजपा खेल प्रकोष्ठ के संयोजक अमन कुमार ने रफ्तार मीडिया से बात करते हुए कहा कि सौरभ तिवारी का चयन ना होना दुख की बात है, JSCA को उनका सपोर्ट करना चाहिए। दलीप रणजी ट्रॉफी होने वाला है, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो चुके हैं, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि जो सौरभ तिवारी है, जो झारखंड के प्रख्यात खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, वो IPL में भी अपने सहयोग दे चुके हैं, उनका चयन यहाँ पर नहीं हुआ है, जिसके वजह से लगातार विवाद भरी चर्चा झारखंड में तेज हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है भाइयों से जुड़े हुए खेल संयोजक है अमन जी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे क्यों इस पूरा जो ये खेल है दिलीप रणजी ट्रॉफी, ये क्यों विवादों से घिरा हुआ है, और आप लोगों का क्या कहना सौरभ जी को क्यों चयन नहीं किया? देखिए, सौरभ तिवारी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपने परिचय के मोहताज दिए हैं, वो अपने जो कुछ भी मतलब एफर्ट होता है जितना भी हुआ है वो भारतीय टीम के लिए दिए हैं। रणजी ट्रॉफी झारखंड के लिए दिया है उन्होंने, दिलीप ट्रॉफी में पास भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होना ये झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली स्थिति है। और मेरे को लगता है कि इसमें JSCA को सामने आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी खिलाड़ी का एक पिक होता है, जब पिक पे खिलाड़ी रहता है तो सब उनके साथ रहते हैं, तो किसी का डाउनफॉल रहता है तो उनके साथ जो रहता है वही उनका एक प्योर आदमी कहलाता है। तो मेरे हिसाब से JSCA को उनका सपोर्ट करना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए, ताकि सौरभ तिवारी जी का भी मनोबल बढ़े और आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म कर पाए झारखंड के लिए, फिर जाके देश के लिए। ऐसी चर्चाएँ भी सामने आ रही है कि इसमें कुछ घोटाला भी किया गया है, जिसके तहत उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। आप लोग इस सेगमेंट को कैसे देखना, चर्चा को कैसे देखना? देखिए, और जहाँ तक JSCA का सवाल है तो उनकी अपनी प्रतिक्रिया है सिलेक्शन कमेटी की, तो इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि JSCA से मैं भी बिलोंग करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो आप देखो कि रिसेंटली सरफराज खान जो है उनका सिलेक्शन इंडियन टीम में नहीं हुआ, जबकि वो रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे मुंबई के लिए, और उनके लिए फेवर में पूरी की पूरी महाराष्ट्र की कमेटी जितनी भी है क्रिकेट एसोसिएशन की, सब उनके साथ में है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की पूरी टीम उनके साथ में है। सेम तरीके से झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की को भी सौरभ तिवारी जी के साथ रहना था और उनका सपोर्ट करना था, बट मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्रतिक्रिया झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से उनके फेवर में हुआ है, और ये मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब सोचने वाली बात है, बट इससे ज़्यादा मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एक बहुत बड़ा हस्ती है, उसके सामने शायद कोई भी खिलाड़ी एक जस्ट एक सिंगल पार्ट है, तो मैं उसके फेवर या फिर उसके अगेंस्ट में कोई कमिट नहीं करना चाहता। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से उनका कहना है कि JSCA के खिलाफ ये स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन JSCA को सपोर्ट करना चाहिए सौरभ तिवारी जी को। रफ्तार मीडिया संवाददाता सौरभ राय, रांची।